हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो से मैं आपको 21 डे का चैलेंज जो हमने कल लिया था और आज से वो स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। 21 डे चैलेंज जो मैंने आपके साथ लिया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आज के दिन से वो शुरू हो रहा है, तो आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कम्युनिटी टैब में भी इसका पोस्ट मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी इसकी पोस्ट मिल जाएगी, तो दोनों जगह पर ही आपको रिप्लाई करना है और दोनों जगह पर ही आपको रहना है ताकि आप 21 डे के बाद आप अपना गिफ्ट ले सकें। आप गिफ्ट से ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को फील करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस करेंगे। तो ये चैलेंज लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। तो 21 दिन के इस चैलेंज से मैं गारंटी करती हूँ कि बदलाव ज़रूर दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे ज़िंदगी में और बहुत से दरवाजे भी खुलेंगे, बहुत से रास्ते भी दिखाई देंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप कोई चैलेंज लेते हो, जब आप कोई स्पिरिचुअल चैलेंज लेते हो, तो बदलाव आना लाजमी है। वो इसी तरीके से होता है जैसे हम खाने में बदलाव करें, हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव करें, तो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन दिखता है। कभी फैट लॉस होता है, कभी वेट लॉस होता है, कभी कलर फेयर हो जाता है, कभी आपको स्किन में बहुत ग्लो नज़र आता है। तो ऐसे बदलाव आपको खाने के साथ, एक्सरसाइज के साथ, योगा के साथ दिखाई देते हैं। पर जब हम स्पिरिचुअल लेवल पर कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें इस तरह से कुछ एनर्जीज को एक्सेप्ट करना है और कुछ को हमें रिमूव करना है, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। तो 21 दिन के इस चैलेंज में ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ साथ करने वाली हूँ। हम कुछ चीज़ों को बाहर निकालेंगे ज़िंदगी से ताकि खाली हो सकें और हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आ सके, वो चीज़ें आ सकें जो हम बहुत देर से सोच रहे हैं करने के लिए पर हम कर नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें ना आप 21 दिन में करना सीख जाओगे। उसके लिए ज़रूरी है चैलेंज को एक्सेप्ट करना, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयारी शुरू करना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने आज पहले दिन कमेंट किया होगा वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होंगे, ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि जो लोग पहले ही दिन इस बात के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं वो 21 दिन के इस चैलेंज को ज़रूर पूरा कर लेंगे। मैं आप लोगों से ये भी बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग आज की इस पोस्ट को नहीं देख पाए, मान लीजिए आपने ये वीडियो बाद में देखा है, तो भी आप बीच में भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका नुकसान कोई नहीं होगा, फ़ायदा थोड़ा कम हो सकता है पर कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो इसलिए जब भी आप वीडियो तक पहुँचें, जब भी आप कम्युनिटी सेक्शन के टैब पर पहुँचें, जब भी आप इंस्टाग्राम पर पहुँचें और जब भी आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें, तब से ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। पर मैं ये कहूँगी कि 21 दिन का चैलेंज है तो पूरे 21 दिन करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ उसमें आपको दो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। आपको इन दोनों दरवाजों में से एक दरवाजे के अंदर जाना है। ये मैंने इसलिए लिए है क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग अपनी किस्मत के दरवाजों को खोलने के लिए रोज उन्हें नॉक करते हो। तो आज हम यहाँ पर इसीलिए दरवाजों की पिक्चर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आपकी किस्मत अगले 3 महीनों में आपके लिए क्या लेकर आने वाली है, किस किस काम में आपको बहुत ज्यादा अपनी पोटेंशियल को दिखाना है, कौन सा काम आपके लिए सही रहने वाला है, क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ की ये रीडिंग रहेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है और इसमें मैं टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे अगले 3 महीनों के लिए ये रीडिंग आपके लिए होगी और अगले 3 महीने आपके लिए आपको रेजोनेट कर सकते हैं वो चीजें जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो इसलिए कनेक्टेड रहिए वीडियो से और पिक्चर से कनेक्टेड होने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आएंगे, कहाँ आपको बहुत ज्यादा अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है, कहाँ आपको रुकना है, क्या आपके लिए हर्डल्स हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें बिल्कुल नहीं जाना होता, वो दिशा हमारे लिए सही नहीं होती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें बढ़ना होता है और हम बढ़ते नहीं हैं। तो आपको ये समझना है इस वीडियो को देखकर कि क्या आपके लिए है और क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे अभी आपकी रीडिंग को। अब हम बात करेंगे आज के रीडिंग के बारे में कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। जो जो मुझे दिखाई देगा, जो जो मुझे लगेगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है, मैं वही आपको बताऊंगी और साथ में सारे हम पहलू कवर करेंगे, इमोशनल, प्रैक्टिकल, काम, करियर, एजुकेशन, जो भी मुझे दिखेगा मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले पाइल नंबर 1 मैं आपके लिए कार्ड लेती हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आया है और क्या मैसेज है
ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। कुछ कार्ड्स पहले ले लेते हैं, फिर उसको डिटेल करेंगे। यहाँ दो निकल कर आए हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ। द चैरियट एंड डेथ। ओके, तो काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। ओके, हैंग्ड मैन, सभी मेजर कार्ड्स हैं, फर्स्ट कार्ड को छोड़कर सभी मेजर कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ कप्स एंड द डेविल। बहुत ज्यादा एनर्जी, कुछ पावरफुल है। सबसे पहला जो कार्ड है वो बता रहा है कि आप में से बहुत से लोग किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और नेक्स्ट थ्री मंथ में आप उस सिचुएशन से निकलेंगे। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, अटके हुए हो, वहां से बाहर निकलने की कोशिश अगर आप कर रहे हो, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश की है। यहां पर साफ साफ मैं बताऊं तो मुझे पास्ट एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड, जो बताता है कि आप किसी ऐसे समय से गुजर रहे हो जो आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किसी को इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरना पड़ सकता है, किसी को रिलेशनशिप का इशू हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा ही कोई इशू नजर आ रहा है। इस इशू में ये प्रॉब्लम है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप बेचैन हैं, आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं, और ये परेशानी आने वाले समय में भी आपको रह सकती है। इस परेशानी से निकलना पड़ेगा आपको, इस परेशानी को झेल कर आप निकल जाइए बस, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा परेशान होंगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपनी सेहत को खराब कर लेंगे। आपने एक स्टक रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, आपने उसको संभालने की भी कोशिश की है, आपने उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी की है कि सिचुएशन आपके हाथ में रहे, आप समझ जाएं, या जो भी पार्टनर है वो समझ जाए, अगर वो गलत है, वो टॉक्सिक है, वो अब्यूजिव है तो वो समझ जाए। पर मुझे लगता है कि अब जो पानी है वो सर से ऊपर उठने की कगार पर पहुंच चुका है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। डेविल भी यहाँ पर यही दिखा रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब है कोई जो आपके रिलेशनशिप में आपको परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप गलती से फंसे हो और अब निकल नहीं पा रहे। आपने बहुत कुछ किया है, उल्टे तक टंग गए हो आप इसके लिए। आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा है जो शायद सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपके लिए एक यहां पर एनर्जी देख पा रही हूं जो है डेथ की एनर्जी। तो जो दुख आपने झेल लिया है, जो आप उल्टा टंग चुके हो अभी, देखिए यहाँ पर दो एनर्जीज यही दिखा रही हैं कि जो सेक्रीफाइस आपने कर लिए हैं अब वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और इस चेंज के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो यहां पर साफ साफ ये एनर्जीज नजर आ रही हैं कि आप जो दुख से गुजर रहे हो, जिस दर्द से गुजर रहे हो, वो दर्द अब चला जाएगा और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आपको एक तरह से आर्मर की ड्रेस पहन लेनी है और तैयार रहना है, क्योंकि मुश्किलें बहुत फेस कर ली, अब निकलने का समय है। तो आपको एक सेनापति की तरह बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने पूरे घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, आपको पूरी तरह से कंट्रोल करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रुक गए तो वहां आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, वहां फिर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप अगर निकलने के लिए सोच चुके हैं तो अपने घोड़े फटाफट से दौड़ा दीजिए और निकल जाइए सिचुएशन से। आगे आपके लिए शांत समंदर है, आगे आपके लिए वो चीजें हैं जो शायद आपने कभी महसूस ही नहीं की अपनी जिंदगी में। सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की, चीजों को संभालने की कोशिश की, चीजों को अपने इस तरह से इकट्ठा करने की कोशिश की कि कुछ बिखर ना जाए। पर कुछ रिश्ते ना ऐसे होते हैं जो बिखर जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप संभाल ही नहीं सकते, सारी जिंदगी लगे रहो तब भी नहीं वो संभलते, क्योंकि वो रिश्ते संभलने के लिए होते ही नहीं, वो रिश्ते मूव ऑन करने के लिए होते हैं। बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी में रहने से आप अपने दिमाग को खराब करते हो, आप अपनी पीस ऑफ माइंड को खराब करते हो, आप अपनी चीजों को खराब करते हो, आप अपने इमोशंस को इम्बैलेंस करते हो और टेंशन में आकर सेहत को भी खराब करते हो। तो ऐसे रिश्तों में रहने का कोई फायदा नहीं। आप में से बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि मैं कैसी बातें बोल रही हूँ, पर ये जरूरी है, क्योंकि जब आप एक रिश्ते में रह ही नहीं पा रहे हो तो फिर जिंदगी काटने के लिए थोड़ी आए हो,
जिंदगी को बिताने के लिए आए हो, जिंदगी को जीने के लिए आए हो, आप काटने के लिए नहीं आए हो। इस बात को समझो, शायद जिंदगी में बहुत कुछ है जो आपको आगे लेकर जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, पर हम चाहते ही नहीं क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है उन रिश्तों में रहने की। तो अगले 3 महीनों में आपके लिए चेंज आ सकता है। मैं कुछ और एनर्जीज देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि ये क्यों आया है आपके लिए, ये जो एनर्जीज हैं वो क्या बता रही हैं, डेथ का कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी वही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी वेट कर रही है। डेस्टिनी, किस्मत आपको आगे लेकर जाना चाहती है, पर आप अटके हुए हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कोई ऐसा इंसान है जो आपको इससे निकालना चाहता है, वो कोई भी हो सकता है, आपके घर में, आपके आसपास, फ्रेंड में, कोई भी ऐसा इंसान, भाई हो सकता है, छोटा कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपसे उम्र में छोटा हो, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको निकालना चाहता है और आपके साथ मिलकर वो आगे बढ़ना चाहता है, पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि कहीं आप गलती ना कर लें, आपको लगता है कि कहीं सिचुएशंस बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। आपको लगता है कि अगर आपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आसपास के लोगों से आप डरते हो, आसपास के लोगों की चिंताएं करते हो, आपको अपनी कोई चिंता नहीं है, आपको चिंता है उन लोगों की जो आपके है ही नहीं। अगर वो आपके होते तो आपको इतने बुरे रिश्ते में क्या वो रहने देते, क्या उनको आपका दर्द महसूस नहीं होता? अगर वो आपके होते तो उन लोगों की चिंता करना बंद करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से ही जीवन में कुछ समझ में आएगा, उद्देश्य मिलेगा, पर्पस मिलेगा, और जब आप आगे बढ़ोगे तभी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो कुछ और कार्ड से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है 7 of Cups। तो अभी आपको रास्ता दिखने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए क्या कुछ एनर्जीज हैं जो आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालेंगी, रास्ता कैसे दिखाई देगा? ओके, पेशेंस, यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस दिखाता है कि जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही चीजें समझ में आएंगी, और पेशेंटली थोड़ा डिसाइड करें कि कैसे चीजों को संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोचें, मनन करें, बहुत ही वाइजली डिसीजंस लें। आप क्विकली डिसीजन मत लें, वाइजली डिसीजन लें, और ध्यान दें कि जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए कितना सही है, तोल मोल कर पूरी चीजों को, फिर आप इससे निकलने के लिए प्लान करें। देखिए यहाँ पर मैंने आपको रिलेशनशिप की बात इसलिए कही है क्योंकि मुझे ज्यादातर यहाँ पर रिलेशनशिप का इशू जो है वो नजर आ रहा है, पर ये इशू आपके काम में भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड है ये डेविल का, ये बता रहा है कि ये आपके काम के बीच में भी आ रहा है, ये आपकी ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है जो आपको काम में भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप में से बहुत से लोग किसी काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो वहां पर भी ये इशू आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं वो आपको रोक रहे हों किसी बैड एनर्जी की वजह से, या वो आपको गलत बातों की वजह से रोकने की कोशिश कर रहे हों। वो चाहते हो कि आपकी प्रमोशन ना हो, वो चाहते हो कि आपकी ट्रांसफर ना हो क्योंकि आप प्रमोशन करके जा रहे हो। तो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, आप में से बहुत से लोग जो जॉब में हैं उनके लिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते और लोग आपको निकालना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि आप जहां हो वहीं रहो, आप आगे मत बढ़ो, और वो आपके पीठ के पीछे पूरी बातें करके किसी को भड़का रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये इस तरह का है, आप इसको प्रमोशन मत दो, आप इसको आगे मत करो क्योंकि ये पर्सन जो है वो सही नहीं है। तो काफी चीजें आपके पीछे कही जा रही हैं, काफी चीजें आपके लिए कही जा रही हैं। इसको आपको समझना है कि कौन है ऐसा जो आपके लिए इतनी इतनी बातें कर रहा है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए इस तरह का सोचता है। आपने बहुत कुछ किया है अपने जॉब में,
बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं, बहुत सारे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे पर्सन हो जो काम नहीं करना चाहता। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, काफी अच्छी एनर्जी है आपकी, चैरियट की एनर्जी में हो आप, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांगली आप हर डिसीजन लेते हो, पर आप फैसला नहीं कर पा रहे हो कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन अब आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपको लगता है कि चीजें सुधर जाएंगी, पर ये जो एनर्जीज हैं, ये तीनों एनर्जीज जो है और साथ में चैरियट की एनर्जी जो है, ये मेजर एनर्जी है। तो इसको समझना है आपको कि इस टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर आओगे, चाहे वो जॉब में है, काम में है, या आपकी लव मैरिज में है, या आपके लिए रिश्तों में है, कहीं भी टॉक्सिसिटी नजर आ रही है मुझे, साफ साफ नजर आ रही है। और अगले 3 महीनों में आपको इसको बाहर निकालना है और आपको समझना है सिचुएशंस को। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो मतलब बिना सोचे समझे आप कुछ भी डिसाइड कर लेंगे। आपको बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है, अदरवाइज आपके लिए कुछ गलतियां आपको जीवन भर झेलनी पड़ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको डेविल की इस एनर्जी से बाहर आने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये चेंज चाहिए। जो चेंज आपके लिए आने वाला है, पर आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, पेशेंस के साथ आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में है, कहीं भी है। बहुत ज्यादा किसी भी ऐसे डिसीजन को मत लें जो बिना सोचे समझे लिया गया हो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स दिखाता है कि पास्ट में भी आपके साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है और आपने उसको भी सफर किया है, आपने उसको भी झेला है, और इसी वजह से आपको परेशानी रहती है हमेशा दिमाग में। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ लोग वहां भी अटके हुए हो सकते हैं। तो बहुत सारी मिक्स एनर्जीज यहाँ पर आई हैं जो आपके रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रही हैं, और कुछ ना कुछ आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो आपको के काम को लेकर भी हो सकती है। आप में से बहुत से लोगों को ना अपनी जगह बदल लेनी चाहिए, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए आगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो कुछ और सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो आप कर सकते हो पर अभी तक अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, और अपनी जॉब को चेंज भी कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग अपनी जॉब को चेंज करेंगे, और कुछ लोग ट्रांसफर होकर जाएंगे, कुछ लोग जगह चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उस घर में बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव वाइब है या कोई नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चेंज करेंगे। और ये चेंज आपके अच्छे के लिए होगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके बहुत सारी लाइफ में चेंजेस जो है वो आने वाले हैं। एक बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग आगे मूव ऑन करेंगे, जो लोग आगे जाने के लिए सोच चुके हैं, बहुत ही पेशेंटली आपने अपने डिसीजंस ले लिए हैं या अगले 3 मंथ्स में आप लोगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको अपनी स्ट्रांग विल पावर का इस्तेमाल करना है। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, और ये मत सोचिए कि क्या होगा कैसे होगा, आप सब कर लेंगे। आपके अंदर इतनी पावर है, जो लोग बिजनेस को भी चेंज करना चाहते हैं, जो लोग काम को चेंज करना चाहते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपके हाथ में है, पूरी धरती आपके हाथ में है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, जहां पर आप अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो घबरा कर जिंदगी नहीं जी जाती, जिंदगी को जीकर ही जिया जाता है। जिंदगी को आप इस तरह से जिए पूरी पोटेंशियल के साथ कि कौन है जो मेरा कुछ कर सकता है, कौन है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप एक चैरियट की एनर्जी में हैं। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग एक एनर्जी निकल कर आई है जो आपको स्ट्रेंथ देती है, जो आपको खड़ा रहने की पावर देती है, जो आपको हारने नहीं देती। तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि कहीं भी चले जाओ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ढल जाते हो। आपको सिचुएशंस हैंडल करनी बहुत अच्छे से आती हैं, पर कभी कभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां से निकलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप आगे निकलोगे भी, पर आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्ट्रांग बहुत ज्यादा हो। तो किसी भी काम में हो, किसी भी इमोशनली इम्बैलेंस में हो, तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, पर कभी कभी टॉक्सिसिटी जब बढ़ जाती है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या होगा। तो आपको अपने किसी भी रिलेशन में, काम में, रिलेशन में, जहां भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है सब कुछ, उस जगह से दूर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि कहीं बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और वहां से आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, तो मत बैठिए, मत रहिए उस जगह पर। तो चलिए कुछ एंजल कार्ड्स की मदद से मैं आपके लिए कार्ड ले रही हूँ, वहां पर देखते हैं कि एंजलिक हेल्प क्या मिलेगी आपको, और क्या आगे एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। 6 ऑफ थॉट, ये देखिए यहाँ पर भी 6 ऑफ थॉट है, तो एंजल्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि एक अपने लिए पीसफुल जगह ढूंढ लीजिए,
इस स्टॉर्म से गुजरने के लिए वो बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी जगह ढूंढें जहां आपको शांति मिले, और आने वाले 3 महीने आपके लिए इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यहां से जाना है, एक हैप्पी टाइम आपकी वेट कर रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अगर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो हैप्पी टाइम, वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो जर्नी बाहर किसी कंट्री में हो, कुछ लोगों के लिए वो जर्नी किसी बाहर शहर में हो, और कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर हो, जगह चेंज हो, घर चेंज हो। तो मुझे ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है प्रोमिनेंटली। आप इसको जरूर एक बार से रिव्यू कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन, तो आपको रिव्यू करना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि रिव्यू कीजिए और चीजों को डिसाइड कीजिए कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और फ्यूचर आपको अपना कैसे क्रिएट करना है। चाहे आप रिलेशनशिप में है, काम में है, किसी काम में अटके हुए हैं, काम ठीक से चल नहीं रहा, हर चीज को बहुत ही माइन्यूटली आप रिव्यू करें और फिर डिसाइड करें कि कैसे आपको अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। एक और मैं कार्ड लेके आपको डिसाइड करके ये बताती हूँ कि और क्या है एंजल्स की आपके लिए हेल्प। हीलर ऑफ एक्शन, ओके। तो यहां पर है कि अगर आप एक्शन लेंगे तो आपकी हीलिंग डेफिनेटली होगी, पर ये एक्शन आपको खुद से लेना है, अपने दिल को खोलना है और जो चीजें टॉक्सिक हैं उस टॉक्सिसिटी से बाहर आना है, और ये सोचना है कि आपको ही एक्शन लेना है, कोई आपके लिए नहीं आएगा जो एक्शन लेगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पैशनेट हैं, बहुत चीजों में आप अपने आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है। तो यहां पर भी आपको बहुत ही अच्छे से इसको डिसाइड करना है, और एक नई बिगनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगले 3 महीने। बहुत ज्यादा कुछ आप अचीव कर सकते हो, बस रिव्यू करें और सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें और एक्शन लेने की कोशिश करें। तो ये एंजेलिक हेल्प है आपके लिए, ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। ये रहने वाली है अगले 3 महीनों की एनर्जी। जो लोग किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं, आपको निकलना है और आप निकल जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत पेशेंटली आप निकल जाएंगे। तो इसको बहुत ज्यादा अपने मन पर भार बनाकर मत बैठे। सिचुएशंस कभी कभी मुश्किल हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता कि सारी जिंदगी उनको अपने ऊपर भार बना के बैठा जाए। आप उससे निकलिए और वो निकलने में आपकी खुद ही मदद करने लगती है। जब हम अपनी मदद खुद करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी मदद करता है। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अगर लगता है कि कहीं फंसे हुए हैं तो निकलने के लिए इन 3 चीजों को जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपकी हेल्प होगी और एंजल भी आपको ब्लेस करेंगे। ये है आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से आऊंगी और आपको गाइडेंस के लिए कोशिश करती रहूंगी। तो वीडियो में अपने कमेंट जरूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स बहुत पसंद आते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सभी जो टॉपिक हैं वो कवर होते रहें। कुछ कभी रह जाता है तो किसी और वीडियो में कवर हो जाता है, अगर कुछ और रह जाता है तो किसी और वीडियो में कोशिश करती हूँ। तो आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर ऐसा मिल जाता है जिससे आपकी सिचुएशन आप हैंडल कर पाओ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2। अगर आपने इस दरवाजे को चूज किया है, जो दरवाजा अभी आपके सामने है और आप इसको खोलना चाहते हो, तो देखते हैं कि आप कौन से दरवाजे के अंदर जाना चाहते हो और क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। ओके, द चैरियट की एनर्जी फर्स्ट पाइल के लिए भी कुछ ऐसा ही था। बहुत स्ट्रांग विल पावर है आपकी। 10 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, डेविल। चलिए कुछ और कार्ड्स की मदद से देखते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड में लेती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, चलिए एक और एनर्जी भी लेना चाहूंगी ताकि सारे सिचुएशंस क्लियर हों। द हैंड मैन, ओके। तो चलिए पहले इनको डिटेल करते हैं और अगर जरूरत होगी तो मैं कुछ और कार्ड्स भी लूंगी। यहां पर है द चैरियट, 10 ऑफ स्वॉर्ड, एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से बहुत से लोग फिर से अटके हुए हैं, बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहे हैं और इस पेन से आपको निकलना है। मैं जब पेन की बात करती हूँ तो मुझे खुद पेन होता है कि क्यों इतने दुख दर्द हैं दुनिया में, क्यों लोग इतने ज्यादा दुखों से भरे हुए हैं, जहां पर वो निकलना चाहते हैं पर रास्ते नहीं दिखते, जहां पर वो निकलने के लिए रोजाना कोशिश करते हैं पर फिर भी
कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो आप में से बहुत से लोग किसी ना किसी रिश्ते को लेकर और किसी ना किसी काम को लेकर अटके हुए हैं। यहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, हो सकता है टॉक्सिसिटी आपके काम में हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए जो पाइल नंबर 2 तक पहुंचे हैं मुझे फाइनेंशियल इश्यूज ही नजर आ रहे हैं। और आप सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हो, एक्शन भी लेते हो, कंट्रोल भी करते हो, पर कहीं ना कहीं फाइनेंसिस अटक ही जाते हैं। लोन्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके ऊपर, लोन्स की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और आप इस दर्द में इतना फंस चुके हो कि समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशंस कैसे कंट्रोल होगी। आपको कंट्रोल करने के लिए खुद ही कोशिश करना है। यहाँ पर चैरियट है जो बताता है कि स्ट्रांग विल पावर है आपकी, बहुत ही अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, पर कभी कभी सिचुएशंस इतनी बिगड़ जाती हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो दर्द मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए लोगों का दर्द हो सकता है कि लोग पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, काम नहीं करने देते, जॉब नहीं करने देते ढंग से, आप कितना भी कर लो पर लोग आपको आगे बढ़ने देते नहीं है, तो ये भी सिचुएशन है। और कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी नजर आ रही हैं कि आपने बहुत मेहनत की है पर आपको उसका रिजल्ट जीरो मिलता है। जब आप मेहनत करते हो तब तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत आप कंट्रोल करते हो चीजों को, बहुत स्टैंड लेते हो, खड़े रहते हो और बहुत पैशनली काम करते हो, पर आपका पैशन जितना मर्जी आप यूज कर लो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये सिचुएशन जो है ये बनी हुई है, और इस सिचुएशन में कैसे आप इसको कंट्रोल करोगे। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन जो है वो रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकती है, कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर आप निकलना चाहते हो पर आपके पास उतनी सहूलियत नहीं है, आपके पास आगे बढ़ने के लिए उतनी पावर नहीं है, आप लेस पावर में जा रहे हो या जी रहे हो, आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं इस शादी से बाहर निकल जाऊं क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये अच्छी नहीं है, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, तो आपके पास आगे जाकर आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, वो है कॉम्प्रोमाइज का, वो है सेक्रीफाइस का, और आप लोग उसी में ही जी रहे हो। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर दो मेजर एनर्जीज जो है जो दिख रही है मुझे, जो अच्छी है, जो आपको कहती है कि आपको कैसे बाहर आना है इससे। पहली जो एनर्जी है वो है चैरियट की, एंड देन दूसरी एनर्जी है द एम्परर की। तो आपको एक अपना डिसिप्लिन बनाना है। ये जो कार्ड है ये आपके अपने फैसलों का है, आपकी अपनी विल पावर का है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ का है। अगर आप अपने लिए सोचेंगे कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, तो आप नहीं रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं तो बस सेक्रीफाइस के लिए ही बना हूं या बनी हूं, मैं तो सिर्फ इसी रिलेशनशिप के लिए बना हूं या बनी हूं, तो फिर तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, फिर आप कभी भी नहीं निकल पाओगे सिचुएशन से। पर अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे तब आप निकल जाओगे। और दूसरी बात, आपके रिश्ते में कोई हो सकता है कि कोई वाइज पर्सन हो जो आपकी मदद भी करे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लगे रहे, कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपके फादर हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, जो आपकी बात को समझे। उनको समझाइए, उनको बताइए कि आप कितने दर्द से गुजर रहे हो, आपके लिए चीजें कितनी मुश्किल हो रही हैं। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम अपनों पर भरोसा करना भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं है, पर वहां हम देखते नहीं कि शायद कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। हम अपनी ईगो में या अपने पेन में रहना सीख जाते हैं, तो हम उनको बोलते ही नहीं कि हमारी मदद कीजिए, हमें इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकालिए। तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, और जो भी आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकता है उसकी मदद जरूर लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अगर निकलना चाहते हैं सिचुएशन से तो इतने दर्द को झेलने की जरूरत नहीं जो आपने झेल लिया। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी की मदद ले सकते हो, आपके घर में, आपके परिवार में आपको जरूर कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो जरूर उनकी हेल्प लीजिए और अपने आप को थोड़ा रिलीज कीजिए इस टॉक्सिसिटी से, इस सिचुएशन से थोड़ा सा रिलीज कीजिए। मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए डेविल दिखाता है कि कुछ हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ किया है, जैसे कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर, या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, माइंड ऑलवेज नेगेटिव रहता है। ये चीजें आपकी गलत हैबिट्स की वजह से भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता हमेशा कि किसी ने कुछ किया है तभी ऐसा चीजें हुई हैं आपके साथ,
हो सकता है कि आपकी हैबिट्स बहुत गलत हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो गलत चीजों का, ड्रग्स का यूज करते हैं या अल्कोहल का यूज करते हैं या ऐसी चीजों का यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से आप इस लत में इतना फंस चुके हो कि ना तो निकल पा रहे हो और ना ही इसको झेल पा रहे हो। तो ये सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से आपके जो मनी लॉसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप समझ रहे हो कि आपको मनी लॉसेस हो रहे हैं, आप समझ रहे हो कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं, आप समझ रहे हो कि अब सिचुएशन जो है वो सर के ऊपर से पानी जा रहा है, पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि अगर आप छोड़ेंगे तो भी मरेंगे, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो भी मरेंगे। तो ये सिचुएशन है आप लोगों के लिए, इससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में बाहर आना है आपको। अगर आप नहीं आए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो भी लोग टॉक्सिक किसी भी टॉक्सिसिटी में है, बहुत ज्यादा ड्रग्स का यूज करते हैं, उनके लिए बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है सबके लिए। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग किसी इस तरह से यूज करते होंगे या अल्कोहल यूज करते होंगे या ड्रग्स यूज करते होंगे, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो करते हैं। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर काम का इशू हो सकता है, रिलेशनशिप का इशू हो सकता है। तो नेक्स्ट 3 मंथ आपको कह रहे हैं कि इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको स्टैंड लेना है, आपको कोशिश करनी है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी साथ में देखते हैं कि 3 मंथ्स में और क्या क्या चीजें जो है वो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं या आपको किसे अच्छा करना है 3 मंथ्स में, क्या एनर्जीज हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पर निकल कर आया है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आप लोगों ने जो भी चीजें की है, जो भी आपने अपने फाइनेंशियली कुछ करने की कोशिश की है, जिसको आप बहुत नर्चर कर रहे थे, संभाल रहे थे, पैसों के लिए आपने बहुत डीलिंग्स जो की है, वो अब रिजल्ट देने का समय आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसके साथ साथ आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स में मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन आपके दोनों मैटर्स कवर कर रही है, फाइनेंशियली भी और इसके साथ साथ आपके इमोशनली भी। रिश्तों को लेकर आप डाउटफुल हैं, रिश्तों को लेकर आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या ना करें। कोई आपके पास नया रिश्ता जो आने वाला है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी आप अपनी ही टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं हो। अभी आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, वेट कर रहे हो कि चीजें सुधरें और आप इसको एक्सेप्ट करें, जो भी एक रिलेशनशिप आपके पास आ सकता है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ और कार्ड से क्लैरिटी करते हैं इसकी। ओके, यहाँ पर है हाई प्रिस्टस। तो हाई प्रिस्टस की जो मेजर एनर्जी है ये बता रही है कि जो चीजें कुछ छुपी हुई हैं, जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही वो कैसे दिखाई दे सकती है। ये एनर्जी बता रही है कि आपको एक मेंटर की जरूरत हो सकती है, काउंसलर की जरूरत हो सकती है जो आपकी मदद करे, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत हो सकती है यहाँ पर। तो किसी की सपोर्ट लेने से घबराओ नहीं। मैंने जैसे पहले बताया कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन, यहाँ पर एम्परर बता रहा है कि कोई हो सकता है जो आपकी मदद करे, चाहे आप रिश्तों में टॉक्सिसिटी में है, चाहे आप काम में किसी जगह पर फंसे हुए अटके हुए हैं, वहां पर भी आपको किसी की राय लेनी पड़ सकती है, किसी काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। आपको समझने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि चीजें बेहतर कैसे होंगी। कभी कभी हम अपने फाइनेंसिस में भी इतना अटके होते हैं कि लोन्स बहुत ज्यादा ले लिए, चीजों को अपने तरीके से चलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हमने काम करने शुरू कर दिए पर वहां अटक गए। तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं होता कि हमें सब पता है, हम लोग मानते हैं कि हमें सब पता है कि पैसों को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और कैसे उसको यूज करना है, कैसे संभालना है, पर कभी कभी हमें नहीं पता होता। हम मानते जरूर हैं कि हमें पता है। यहां पर मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से किसी काउंसलर की जरूरत है जो आपको बताए कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, जो आपको बताए कि आप फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, जो आपको बताए कि जो आप आउटपुट चाहते हो उसके लिए इनपुट भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए इनपुट भी सही होना चाहिए। आउटपुट की वेट तो आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि जो आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिले, पर आपको समझ में तो आता नहीं है कि चीजें गलत जगह पर लगा दी पर आउटपुट आप चाह रहे हो। तो वहां पर आपको जरूरत है, नीड है किसी की जो आपकी मदद करे। रिश्तों में भी ये बात होगी कि आपको जरूरत है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप अपने सही डिसीजन लेना चाहते हो तो किसी के पास जाइए, काउंसलिंग लीजिए या घर में कोई है उसकी मदद लीजिए जो आपको राइट डिसीजन दे पाए, जो आपको बता पाए कि गलतियां क्या हैं, कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे सीखोगे, एक्सपीरियंस को गेन कीजिए और लेसन को लेकर आगे बढ़िए। लाइफ में कभी कभी लेसन मुश्किल होते हैं,
ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर सिचुएशन अच्छी चले, बुरी साथ में चलती है, अच्छी साथ में चलती है। उन लेसन को सीख कर आगे बढ़ने वाला ही असली इंसान होता है, तो आपको वो लेसन लेने हैं। नेक्स्ट 3 मंथ आप लर्निंग कर सकते हो, सीख सकते हो कुछ। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं खास तौर पर, उनको इस समय पर कोई बहुत बड़े फैसले नहीं करने, आपको सिर्फ सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है, और उसी एक्सपीरियंस के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि सीखिए, कोई मेंटर ढूंढिए, किसी से राय लीजिए, सलाह लीजिए, देन कोई भी काम कीजिए। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक और जो निकल कर आती है एनर्जी, वो है स्पिरिचुअलिटी की। जितना आप मनन करेंगे, जितना आप खुद को मनन करेंगे, सोचेंगे, उतना ही चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आप किसी बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं या टॉक्सिसिटी में खुद हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं या ड्रग्स का यूज करते हैं, तब भी आप खुद से अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हो। आपके लिए आपको चाहिए कि बैठिए थोड़ी देर के लिए, मून लाइट में बैठिए, मून की लाइट को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे पूर्णिमा का दिन होता है तो वो बहुत पावरफुल दिन माना जाता है। 3 महीनों में जब भी पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में बैठकर आप चंद्रमा की लाइट को एक्सेप्ट करें। आपका मन बैलेंस होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, व्हाइट एंड ब्लैक नजर आएगा, आपको पता लगेगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हो, और वो चीजें सीखने का ये समय है। एंजली गाइडेंस भी मैं ले लेती हूँ आपके लिए, तो वो भी आपको बताएंगी कि क्या चीजें आपको अपनी लाइफ में जो है वो सुधारनी चाहिए, जिससे आप इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं दोबारा इसको करती हूँ शफल ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिले, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। 6 ऑफ एक्शन, ओके, तो एक्शन लेने का समय है, एक्शन लीजिए, और आप एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं सक्सेस को पाने के लिए। प्रमोशंस हो सकती हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है, पर वो तब मिलेगा जब आप लेसन्स लेकर आगे बढ़ेंगे, जब आप सीख कर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छी गुड न्यूज है कि आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। अगर आप अच्छे से सीख कर आगे बढ़ते हो और आप चाहते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले, तो मिल सकती है, पर चीजों को आपको पहले समझना पड़ेगा और अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ और एनर्जीज के साथ भी देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जैसे यहां पर एम्परर की एनर्जी है, सेम एनर्जी यही निकल कर आई है कि अगर आप अपने प्लान्स करते हैं प्रॉपर तरीके से, चीजों को स्मूथली समझने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं और पूरे क्रिएटिविटी के साथ आगे चलते हैं, अपने दिमाग को खोलकर प्रैक्टिकली चीजों को करते हैं, तो जो चीजें रुकी हुई हैं, जो चीजें अटकी हुई हैं, वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। यहां पर भी है कि एक मेंटोर की जरूरत पड़ सकती है और उसकी आपको जरूरत है। यहां पर मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूं कि अगर आप उनके साथ मिलकर चलते हैं तो जो चीजें बिगड़ी हुई हैं सब समझ में आ जाएंगी, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो आपके काम में हो। तो आपको एक मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर आप खुद को चाहते हैं कि खुद ही सब कुछ करें, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको चाहिए कि ऑर्गेनाइज करें, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करें, जो चीजें बिखरी हुई हैं उनको इकट्ठा करें, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें, फिर डिसीजन लें कुछ भी करने के लिए, और वो लॉजिकल होना चाहिए। विदाउट लॉजिक कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी इमोशंस में आकर कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकली करना है। बहुत ज्यादा चीजों को संभालने की जरूरत है और अगले 3 महीनों में आप उसको सुधार लोगे। यहां पर है 10 ऑफ एक्शन और है 4 ऑफ एक्शन। तो जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर अटके हुए हैं, उनके रिलेशनशिप सॉर्ट हो सकते हैं, आपको भी यहां पर कोई गुड न्यूज मिल सकती है, विश फुलफिलमेंट के चांसेस भी अगले 3 महीनों में होंगे, पर उसके लिए आपको इन चीजों को एक्सेप्ट करना है। 10 ऑफ एक्शन है यहां पर, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा हार्ड वर्क करने वाले हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। आपको अपनी हेल्थ को बैलेंस करके चलना है, काम कीजिए ये जरूरी है, पर इसके लिए हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में काम बहुत ज्यादा होगा, ओवरलोड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। घर के काम भी करते हैं, फीमेल बहुत सारे घर के काम करती हैं और अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तो 3 महीने बहुत ज्यादा हेल्थ का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ गुड मैसेजेस भी हैं कि जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक डायरी मेंटेन कर लीजिए।
एक ऑर्गेनाइज कर लीजिए हर चीज को जो अगले 3 महीनों के लिए आप करना चाहते हो। इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। जहां आपको सक्सेस नहीं मिल रही उसे ना एक पेपर पर लिख लीजिए। आपको लगता है कि आप अटके हुए हो, आपको लगता है कि आप फंसे हुए हो, एक पेपर पर ना ब्लैक पेन से अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख लो। उस प्रॉब्लम्स को जितनी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो उतनी प्रॉब्लम्स लिख लो। ये एक टिप दे रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। उसको लिखकर आप उसको बारीक बारीक टुकड़ों में बांट दो, उसको काट दो बारीक बारीक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े कर दो उसको तोड़ तोड़ के। और उस पेपर को ना आप कहीं भी जाकर, मतलब घर से बाहर कहीं भी जाकर जला दो। आपको सारी प्रॉब्लम से, सारी वरीज से मुक्ति मिलेगी। और अब एक नई डायरी खरीद कर लेकर आओ और उस पर ग्रीन पेन से, रेड पेन से आप अपने टारगेट लिखो कि आप 3 महीनों में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, तो वो ऑर्गेनाइज करो बहुत ही लॉजिकल तरीके से जो आप कर सको। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो कि मैं अगले 3 महीनों में अंबानी बन जाऊं, मैं अगले 3 महीनों में टाटा बन जाऊं, ऐसा नहीं लिखना। जो आप कर सकते हो, आपको पता है आपकी पोटेंशियल क्या है, वो लिखो। आपको जरूर सफलता मिलेगी और जरूर अगले 3 महीनों में आप वो काम कर पाओगे जो अभी तक नहीं कर पाए थे। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये एक टिप है आज के लिए आपका, और रेमेडी समझ लीजिए, करके जरूर देखना। एक पेपर लेना है जिस पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी है और फाड़कर फेंक देना है, जला देना है। दूसरा जो पेपर है, जो डायरी आपने लिखनी है, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के आपके टारगेट होने चाहिए जो आपको अचीव करना है। तो ये 2 काम अगर कर लेंगे ना, तो फिर मुझे बताना 3 मंथ्स के बाद कि आपने ये किया है और आपको रिजल्ट मिले हैं। आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिए, मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो किसी ना किसी तरीके से और आप वो चीजें अचीव कर पाए जो आप करना चाहते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हो मैं कामना करूंगी और ऐसी ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप लोग अगर चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अलग अलग टॉपिक में लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।